तो आज हम फेस सीरम के बारे में बात करेंगे, ये क्यों यूज किया जाता है, इसके फायदे क्या हैं, और सीरम होता क्या है, सीरम काम कैसे करता है, और कुछ घर पे बनाने के तरीके भी मैं आज बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों रूटीन स्किन केयर के अलावा अपनी स्किन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलते मौसम, प्रदूषण, तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं जैसी कई वजह होती हैं हमारे चेहरे से नमी चुरा लेती है, त्वचा रूखा, वक्त से पहले उम्रदराज दिखने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर जो त्वचा को कुछ खास पोषण दिया जाए तो हमारे त्वचा की नमी बरकरार रहेगी और हमारे फेस भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों ये फेस सीरम त्वचा के रूखेपन की समस्या को सुलझा सकता है। सीरम को आप मल्टीफंक्शन ब्यूटी प्रोडक्ट जैसा मान सकती हैं। तो दोस्तों देखते हैं सीरम क्या है। तो दोस्तों सीरम को लेकर के लोगों की सोच है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट हमारे स्किन केयर के लिए नहीं है, जबकि आजकल इसके बढ़िया रिजल्ट को देखते हुए ये पहला ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसे त्वचा पर क्लीजिंग व टोनिंग के बाद लगाया जा सकता है। ये किसी भी उम्र की महिला इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये जान लें कि हमारी स्किन किस टाइप की है तो उसी अनुसार अपना सीरम खरीदें। तो दोस्तों सबसे पहले हम वाटर बेस्ड सीरम की बात करते हैं। यह सीरम खास तौर पर तैलीय त्वचा के लिए बेहद उपयोगी है, और ऑयल बेस्ड होते हैं ये जो रूखी त्वचा है उसके लिए भी काफ़ी असरकारक है। दरअसल सीरम कंसनट्रेट मॉइस्चराइजर है, इसे ज़रा सी मात्रा में लगाने पर यह त्वचा में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होकर और अपना असर दिखाता है। और सीरम जो फेस क्रीम होती है उसकी तुलना में महंगा होता है, यह अल्कोहल फ्री और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होता है। दोस्तों आजकल मार्केट में तरह तरह के सीरम उपलब्ध हैं, जैसे फेस ग्लो के लिए वाइटनिंग सीरम, एंटी एक्ने सीरम, एजलेस लाइटिंग सीरम, एंटी एक्ने सीरम, एजलेस लाइटिंग सीरम, फेयरनेस सीरम, परफेक्ट रेडियंस इंटेंस वाइटनिंग सीरम भी काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों दोस्तों फेस सीरम के कई लाभ हैं। ये त्वचा को हाइड्रेट करता है और स्मूथ लुक मिलता है। ये नॉन ग्रीसिंग फार्मूला है। यह त्वचा के लिए दाग, धब्बे, सांवलेपन, बदरंग, यूवी किरणों से त्वचा की सुरक्षित रखता है, प्रदूषण से भी बचाता है, ब्लैक हेड्स को बनने से रोकता है और रोम छिद्र को ब्लैक नहीं होने देता है। इससे त्वचा का लचीलापन बना रहता है, स्किन टोन भी सुधरती है, यह कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है और सूर्य की किरणों से प्रभावित त्वचा को सुधारता है। इसकी वजह से त्वचा जवां और स्वस्थ दिखती है। ज़्यादा से सीरम में विटामिन बी, नेचुरल प्लांट वाइटनिंग एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों फेस सीरम कैसे काम करता है और इसको लगाना कहता है। तो सीरम का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। पहले क्लीजिंग मिल्क या फेस वॉश से अपने फेस को साफ कर लें। सीरम की कुछ बूंदें लेकर अपने हथेली पर इसको हल्के हाथ से फेस की मसाज करें, या अपने उंगलियों के पोरे से भी इसके मसाज कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो आप इसको मॉइस्चराइजर के साथ भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर सीमा बताती हैं कि नियमित इस्तेमाल करने से पर सिर्फ 4 सप्ताह के अंदर आपको इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। स्किन सीरम से त्वचा सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बनती बल्कि यह महीन झुर्रियों को रोकने में भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा पिगमेंटेशन भी रुकता है, त्वचा साफ रहती है। क्रीम की तुलना में इसका असर ज़्यादा बेहतर रहता है। ये ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा विकल्प है। अगर त्वचा पर एक्ने की समस्या है तो भी स्किन सीरम का प्रयोग किया जा सकता है। स्किन सीरम में अतिरिक्त ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो एक्सफोलिएटर एजेंट की तरह काम करता है। दोस्तों ब्यूटी एक्सपर्ट मानते हैं कि बड़ी उम्र के लिए सीरम असरदार ही नहीं बड़े बड़े काम का ब्यूटी प्रोडक्ट है। ब्यूटी एक्सपर्ट अंबिका पिल्लई के मुताबिक विटामिन सी युक्त सीरम मेच्योर स्किन के लिए काफ़ी असरदार है। अगर सीरम सही उम्र में लगाना शुरू कर दे तो त्वचा की कसावट लंबी उम्र तक बनी रहेगी। दोस्तों होममेड सीरम बनाने के तरीके और ये सभी प्रकार स्किन के लिए है। सबसे पहले नॉर्मल स्किन के लिए जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल में आप नेरोली ऑयल मिला सकती हैं। दोस्तों एक्ने प्रोन स्किन, आर्गन ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, टी ट्री ऑयल, सनफ्लावर ऑयल,
ड्राई स्किन के लिए ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के कुछ बूंदे लेवेंडर ऑयल की मिलाकर लगाएं। यदि स्किन ऑयली है तो ग्रेपसीड ऑयल, आर्गन ऑयल में लेमन या ऑरेंज ऑयल की कुछ बूंदे मिलाकर लगाएं। मैच्योर स्किन के लिए कोकोनट ऑयल में नेरोली ऑयल की कुछ बूंदे मिलाकर लगाएं। और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एप्रिकॉट ऑयल प्रभावकारी है, इसमें चाहे तो आप कुछ बूंदे नेरोली ऑयल की भी मिला सकती हैं। दोस्तों विटामिन ई सीरम, इस सीरम को रात भर चेहरे पर लगा कर रखें और आपको चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल, लोबान तेल, बादाम का तेल, एलोवेरा जेल और एक कांच की बोतल। एक सॉफ्ट कटोरे में दो बड़े चम्मच प्रत्येक सामग्री से लें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। विटामिन ई के दो कैप्सूल तोड़ें और उसमें से तेल निकालकर बाकी की सामग्री में मिलाएं। तो दोस्तों तैयार होने के बाद इसको आप रात भर चेहरे पर लगाए रहने दें, फिर उसके बाद में सुबह धुल लें। तो दोस्तों नमस्कार, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ।